मोरबी में मच्छू नदी पर बने झूलतो पुल पर घूमने गए करीब 140 लोगों को पता नहीं था कि ये उनकी आखिरी सैर होगी। रविवार शाम जब वो सस्पेंशन ब्रिज का मजा ले रहे थे तभी वो ढह गया। अब सवाल उठता है कि हाल ही में रिनोवेशन से गुजरे 145 साल पुराने पुल में ऐसा क्या हुआ कि वो गिर गया। हालांकि जानकार तकनीकी रूप से इसके 3 कारण बता रहे हैं जिसकी जाँच की जानी है। इसमें गलत प्रबंधन, भीड़ की वजह से हुए कंपन, सर्विस लाइफ शामिल। सस्पेंशन ब्रिज में टावर, केबल, गर्डर्स, केबल के लंगर जैसी चीजें शामिल होती हैं। जानकार बताते हैं कि अगर भीड़ ब्रिज पर चल रही है तो इसके गिरने की संभावना नहीं होती। हालांकि अगर भीड़ डेक पर रुक जाए तो लोड में इजाफा होता है जिससे केबल पर तनाव बढ़ता है। ऐसे में अगर क्षमता से ज्यादा लोड हो गया तो पुल टूट जाएगा। वहीं ये कहा जा रहा है कि अगर अथॉरिटी की तरफ से प्रबंधन का काम ठीक तरीके से किया जाता तो घटना को रोका जा सकता था। इसमें साइन बोर्ड लगाना और एक निगरानी दल तैयार करना शामिल है जो ध्यान रखता कि पुल पर क्षमता से ज्यादा भीड़ मौजूद न हो। रिपोर्ट्स की माने तो एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ऐसा लग रहा है कि परिचालन के स्तर पर गलती थी क्योंकि भीड़ को ठीक से मैनेज नहीं किया गया था। वहीं रिपोर्ट्स की माने तो एजेंसियों को जांच में पता चला है कि भीड़ और इससे होने वाले कंपनी की जांच नहीं की गई थी। पुल पर क्षमता से ज्यादा लोग थे और कई लोगों को पुल को हिलाते हुए भी देखा गया था। फिलहाल ये साफ नहीं है कि पुल के गिरने की मुख्य वजह है। इसका मतलब पुल के जीवन से है, यानी कि सर्विस लाइफ। वो कितने समय तक बगैर किसी परेशानी के पूरी क्षमता के साथ भीड़ का बोझ उठा सकता है। जानकार बताते हैं कि कुछ समय के बाद पुल का स्ट्रक्चर की स्थिति ऐसी हो जाती है कि उसे और ज्यादा नहीं खींचा जा सकता। उन्होंने बताया कि ऐसे में अगर लोड को कम भी कर दिया जाए तो भी वो ढह जाएगा। एक्सपर्ट्स की माने तो एक पुल अपनी सर्विस लाइफ के बाद भी काम कर सकता है लेकिन उसे पुनर्वास या पुनर्निर्माण होना उसका जरूरी। कुल मिलाकर यहाँ पर प्रशासन की लापरवाही और लोगों की भी लापरवाही सामने आ रही है। अब ये देखना होगा कि इस जांच में और क्या तथ्य निकल कर सामने आते हैं, लेकिन फिलहाल जो सामने आ रहा है वो ये है कि इस जांच में लीपापोती की कई तरीके की घटनाएं सामने आ रही। ANP टाइम्स की रिपोर्ट।